संघवी इको सिटी मीरा रोड, इसमें 2 BHK की रीसेल की प्रॉपर्टी है। आइए जानते हैं पहले इसका साइज क्या है, प्रॉपर्टी का कितने माले का टावर है, ये सब कुछ। और मैं प्रॉपर्टी दिखाते हुए ही सब कुछ बताते चले जाऊंगा, फिर बाद में मैं प्राइजिंग साइजिंग और सर्विसेज की बात करूंगा। दोस्तों आइए जानते हैं संघवी इको सिटी का 2 BHK का रीसेल के फ्लैट के बारे में। आपको मैं दिखाऊंगा इस बिल्डिंग का एलिवेशन कैसा है, एंट्रेंस लॉबी कैसा है, मेन एंट्रेंस गेट दिखाऊंगा, फ्लैट दिखाऊंगा, एमिनिटीज दिखाऊंगा। साथ ही साथ मैं ड्यूरिंग वीडियो ही आपको बताते चले जाऊंगा कि इसके आसपास की फैसिलिटीज क्या है, आसपास की एमिनिटीज क्या है, क्या क्या चीजें आसपास में अवेलेबल है, कितने डिस्टेंस पे कौन सी फैसिलिटी अवेलेबल है, ये सारा कुछ मैं ड्यूरिंग वीडियो में ही आपको बताऊंगा। दोस्तों मैं विकास वरनवाल, चैनल पार्टनर ऑफ बिल्डर एंड प्रॉपर्टी डीलर मुंबई से स्वागत करता हूँ एक बार फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल प्रॉपर्टी प्लाजा विकास वरनवाल में। दोस्तों आइए मैं पहले आपको फ्लैट दिखाता हूँ, फिर बाद में मैं इसका डिटेल मैं बात करूंगा। दोस्तों ये संघवी इको सिटी में जाने का रास्ता है। दोस्तों जो विष्णु मंदिर से आप आते हैं तो ये सीधा सीधा रोड आपको संघवी इको सिटी के अंदर लेके आता है। सामने आप देख सकते हैं विष्णु मंदिर है, ये एंट्रेंस लॉबी है ये, और मैंने एलिवेशन आपको दिखाया है और लास्ट में भी आपको दिखाऊंगा प्रॉपर। सारों का जितने भी संघवी इको सिटी में विंग्स हैं सबका ये एंट्रेंस लॉबी इतना ही खूबसूरत बिल्डर ने बना के दिया है। देख सकते हैं बहुत ही नेचर के नज़दीक बनाया है इस कॉम्प्लेक्स को। इसके बाद कोई सिटी का व्यू आता ही नहीं है, सीधा सीधा नेशनल पार्क का व्यू आता है संघवी से। ये पूरा इसका एंट्रेंस लॉबी है। ये आप पूरा देख लें, उसके बाद मैं ले चलूँगा आपको फ्लैट में। ये 2 हाई स्पीड लिफ्ट है, ये इसका 2 BHK का फर्निश्ड फ्लैट है। एक्चुअली वो रीसेल की प्रॉपर्टी जो मैं दिखाने की बात कर रहा था दोस्तों, वो 2 BHK के रीसेल की प्रॉपर्टी का वीडियो लेना पॉसिबिलिटीज नहीं था, तो मैंने फ्लैट का एक आइडिया देने के लिए बताया है कि इस टाइप का फ्लैट संघवी में बनाया है बिल्डर ने। एक आइडिया मिल जाए आपको, 2.5 से 3 फुट की बालकनी है लिविंग डाइनिंग एरिया में, और सामने ही BMC का खूबसूरत गार्डन बना हुआ है। ये विंडो के साइड से आपको डाइनिंग का व्यू दिखा रहा हूं। एल शेप में पूरा इसका हॉल है। लिविंग डाइनिंग से एंटर करते ही राइट हैंड साइड पे किचन है इसका। किचन भी देखें तो आप, काफी बढ़िया स्पेशियस किचन है इसका। अभी जो इनका ऑफर चल रहा है उसमें 1 BHK फुल्ली फर्निश्ड ये सेल कर रहे हैं 65 लाख में, फुली फर्निश्ड। आप अगर फुली फर्निश्ड 1 BHK में इंटरेस्टेड हैं तो आप हमें फ़ोन करें ऊपर दिए हुए नंबर पे, आपको मैं हेल्प करूंगा पूरी आइडिया देने के लिए, पूरे प्राइजिंग का साइजिंग का, ताकि आपके लिए आसान हो जाए समझना घर बैठे। फिर आप आएँ, हम बुकिंग करा के देंगे आपको, साथ ही साथ क्या डिस्काउंट स्कीम है वो भी समझा के देंगे। ये कॉमन वॉशरूम है इसका, जो किचन से थोड़ा आगे जाके ही लेफ्ट हैंड साइड पे था। और ये किड्स बेडरूम है, कॉमन बेडरूम है। यहाँ पे उन्होंने कुछ फर्नीचर बनाया है, बट आप स्पेस देख के समझ सकते हैं कि कितना खूबसूरत है। और 3 से 4 फुट की बालकनी दिया हुआ है। ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट आने के बाद कुछ तो जो यूज़र्स हैं वो इस बालकनी को ब्रेक करके मर्ज कर लेते हैं बेडरूम के अंदर, जिससे बेडरूम बड़ा हो जाता है। यहाँ पे आपको स्टडी टेबल के लिए भी स्पेस मिल जाता है अलग से। अब हम मास्टर बेडरूम देखे हैं इसका, ये इसका मास्टर बेडरूम है। मास्टर बेडरूम में एंटर करते ही लेफ्ट हैंड साइड पे आपको वॉशरूम मिल जाता है। ये इसका वॉशरूम है मास्टर बेडरूम का, वॉश बेसिन वगैरह दिया हुआ है। और मास्टर बेडरूम का स्पेस देखें तो बहुत ही खूबसूरत दिया है। ऐसे ही फर्निश्ड फ्लैट आपको यहाँ पे 1 BHK मिलने वाला है, जिसकी प्राइजिंग मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ 65 लाख है। ये 2 BHK का प्राइजिंग कितना है ये मैं वीडियो के प्रोजेक्ट दिखाने के बाद बताऊँगा। ये तो 2 BHK का फ्लैट है, इसमें भी 3 से 4 फुट की बालकनी है। और ये जो मैं दिखा रहा हूँ आपको, सेकेंड फ्लोर पर दिखा रहा हूँ, हायर फ्लोर से जहाँ पे ये फ्लैट है उसमें से वीडियो शूट करने के लिए नहीं मिला है हमें। और
ये अंदर के साइड से पूरे फ्लैट का व्यू है। मैं आपको फ्लैट दिखा दूँ, उसके बाद मैं दिखाता हूँ इसमें स्विमिंग पूल, क्लब हाउस, जिमनासियम वगैरह, एमिनिटीज़ वगैरह किस टाइप का है। इसका पूरा पैसेज एरिया है हर एक फ्लोर पे। जिस फ्लोर पे चार से ज़्यादा फ्लैट है उस पे दो स्टेयरकेस कंपलसरी हो जाता है और दो से ज़्यादा लिफ्ट भी कंपलसरी हो जाता है। दो स्टेयरकेस इसलिए कंपलसरी हो जाता है बिकॉज एक स्टेयरकेस में कभी कुछ फायरिंग का केस हो तो दूसरे स्टेयरकेस से लोग निकल सकें, दूसरे सीढ़ी से लोग जा सकें बाहर। इसके लिए ये मैं आपको हायर फ्लोर से सिर्फ एक फ्लैट का व्यू दिखा रहा हूँ। आप देख सकते हैं कितना ही मेसमराइज व्यू है, ये पूरे आपको हिल स्टेशन देखने को मिलता है। मैं एमिनिटीज में आपको लेके आ गया हूँ। ये बच्चों को खेलने के लिए किड्स प्ले एरिया है, एम्पी थिएटर है, ये बच्चों के कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए कुछ स्टेज के सामने स्पीच देना हो 20-50 पब्लिक को बिठा के। तो टर्फ है ये बच्चों को क्रिकेट प्रैक्टिस के लिए या फुटबॉल प्रैक्टिस के लिए। ये एलिवेशन है संघवी के, हर एक बिल्डिंग का एलिवेशन इतना ही खूबसूरत बना रहे हैं। सामने क्लब हाउस है, अभी हम चलेंगे क्लब हाउस में, देखेंगे किस टाइप का इसका स्विमिंग पूल है, क्लब हाउस है, जिम्नासियम है, ये मल्टीपर्पज कोर्ट है। रैंप है इसका, और ये इसका बेसमेंट पार्किंग है जो आप देख रहे हैं। तो हम क्लब हाउस के अंदर चलते हैं दोस्तों। ये क्लब हाउस का एंट्रेंस है, फर्स्ट फ्लोर पे जाने का स्पेस है, जाने के लिए स्टेयरकेस है, ये सीढ़ी है। ग्राउंड फ्लोर पे भी कुछ एमिनिटीज दिया हुआ है। ये बैंक्वेट हॉल आपको मैं दिखाने जा रहा हूँ। ऐसे दो बैंक्वेट हॉल हैं। और ये सामने ही आपको पूरे स्विमिंग पूल यूज़ करने को मिलता है या स्विमिंग पूल का व्यू मिलता है। ये देख सकते हैं एक पर्सनल थिएटर है कॉम्प्लेक्स के अंदर, जहाँ पे आपके कुछ पर्सनल ब्लॉग्स, वीडियोस, मूवीज, शादी के कुछ कैसेट्स और ब्लॉग्स देखना हो तो आप उसको एंजॉय कर सकते हैं यहाँ पे बैठ के। एक नॉर्मल लाइफस्टाइल की सारी चीज़ें इन्होंने यहाँ पे प्रोवाइड किया है बिल्डर ने। ये जिम इक्विपमेंट्स हैं और जिम्नासियम है। ये हम आ गए हैं फर्स्ट फ्लोर पे। क्लब हाउस का टेरेस है इसका और मैं फर्स्ट फ्लोर से आपको स्विमिंग पूल दिखा रहा हूँ। सामने किड स्विमिंग पूल है और ये बीच में आपने जो बड़ा देखा है वो एडल्ट स्विमिंग पूल है, बड़े बच्चों के लिए, बड़ों के लिए। यहाँ से पूरा खूबसूरत व्यू है नीचे के एमिनिटीज़ का। इनका कंस्ट्रक्शन करने का तरीका काफ़ी बढ़िया है, आप देखें तो आपको कॉम्प्लेक्स के अंदर कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। और ये कॉम्प्लेक्स के अंदर का ही मेन रोड है जहाँ पे 5 फेसेस ये डेवलप कर रहे हैं। अभी मैं वीडियो दिखाने के बाद, कंप्लीट करने के बाद बताऊँगा। इसमें इन्होंने एक बहुत ही खूबसूरत एक मंदिर दिया है जहाँ पे संकट मोचन हनुमान जी का मंदिर है। ये ज़्यादातर इसमें हिंदू लोकैलिटीज़ हैं। और ये सामने ही उसके अपोजिट में ही संघवी स्त्री इकोसिटी के अपोजिट में ही म्यूनसिपैलिटी का गार्डन है, बीएमसी का। बहुत ही खूबसूरत गार्डन डेवलप किया हुआ है। मैं आपको वीडियो में पूरा दिखा नहीं पा रहा हूँ, बट जितना हो रहा है मैं बेटर आपको दिखा रहा हूँ कि आप देख के समझ पाएँ।
बहुत ही ग्रीनरी और किड्स प्ले एरिया बच्चों के लिए खूबसूरती से डेवलप किया है बिल्डर ने। बिल्डर ने डेवलप करके इनको गवर्नमेंट को दे के उसके बाद खुद का प्रोजेक्ट बनाया है इन्होंने। बीएचके रीसेल की प्रॉपर्टी है दोस्तों, जो मैं आपको फ्लैट का तो आइडिया मैंने दिया कि किस टाइप का फ्लैट है। यहाँ पे लोकेशन जान लें, नियर हर्मिटेज कॉम्प्लेक्स माजनवाड़ी, नियर विष्णु मंदिर के पास। ये वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पे ही ये आता है, हाईवे से मुश्किल से 1-2 मिनट के वॉकिंग डिस्टेंस है यहाँ से। प्रोजेक्ट के बारे में बात करूँ, इसमें फेज़ 1, 2, 3, 4, 5 5 फेसेस हैं इसमें। फेज़ 1 इसका कंप्लीट हो चुका है, जिसमें ये रीसेल की प्रॉपर्टी है सेल करने के लिए। 2 और 3 अंडर कंस्ट्रक्शन है, 4 और 5 नियर टू लॉन्च है, ये भी लॉन्च करने वाले हैं। 10 से 25 माले का बिल्डिंग है ये, ग्राउंड फ्लोर प्लस बेसमेंट। इसका पार्किंग है, ईच फ्लोर 6 फ्लैट है इसका, हर एक फ्लोर पे ओपन और कवर्ड पार्किंग है, बेसमेंट एंड पोडियम कार पार्किंग है इसमें। 24 घंटा पानी है इसमें, 24 आवर्स वाटर सप्लाई है म्यूनसिपैलिटी का, BMC का। ज़्यादातर इसमें हिंदू कम्युनिटी के लोग हैं। नेशनल पार्क और मीरा रोड का सिटी व्यू है इसमें। टोटल 13 एकड़ का लैंड है, 6 एकड़ इसका गार्डन में डेवलप किया है इन्होंने और 5.5 एकड़ में इन्होंने कंस्ट्रक्शन किया है। 1.5 एकड़ रोड को लिए डेवलप किया है, रोड बनाया है इन्होंने कॉम्प्लेक्स के अंदर ही। रेरा में अगर आप डिटेल जानना चाहते हैं इसका, तो P519-00008323 ये इसका रेरा का नंबर है। अगर आप रेरा में इसका डिटेल जानना चाहते हैं तो ये नंबर के थ्रू आप गवर्नमेंट के वेबसाइट पर जाके देख सकते हैं इस प्रोजेक्ट का डिटेल क्या है। सारे बैंकों से अप्रूव्ड है ये, SBI, HDFC, एक्सिस। जब सारे बैंकों से अप्रूव्ड रहता है, SBI जब अप्रूव्ड करती है, तो इसका इनडायरेक्ट मतलब आप समझ जाएं कि प्रॉपर्टी का टाइटल बिल्कुल क्लियर है, जिस भी बैंक से आप लोन लेना चाहें हो जाएगा। 2 BHK की प्रॉपर्टी है दोस्तों, जिसमें कारपेट एरिया 635 स्क्वायर फुट की इसकी कारपेट एरिया है। और प्राइजिंग की बात करूं, ऑल इंक्लूसिव प्राइस फ्लैट का 1.4 करोड़ रुपया है। 1.4 करोड़ रुपये में ऑल इंक्लूसिव प्राइस हो जाता है, तो इनडायरेक्ट आप समझ जाएँ कि फ्लैट कॉस्ट इसका दोस्तों आपको लगभग इसका 96 लाख फ्लैट कॉस्ट आ जाएगा दोस्तों। और हाईवे पे देखें तो ये प्राइस में रीसेल या फिर न्यू में कोई प्रॉपर्टी नहीं है। 96 लाख 2 BHK की प्रॉपर्टी, जो 650 स्क्वायर फुट के आसपास कारपेट है, तो बहुत ही रीजनेबल प्राइस है इस फ्लैट का, इसीलिए मैं ये वीडियो बना भी रहा हूँ। संगवी में किसी टाइप का रीसेल या अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी के लिए आपको अगर चाहिए, तो आप मुझे फ़ोन करिए, मैं आपको अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी हो या रीसेल हो दोनों दिलाने में आपकी मदद करेंगे दोस्तों। जो भी यहाँ का रीजनेबल प्राइस है उसमें। एमिनिटीज़ तो आपने देख ही लिया है, वैसे इन शॉर्ट आपको बता दूँ, चिल्ड्रन प्ले एरिया, प्ले लॉन, गेम जोन, बैडमिंटन कोर्ट, क्रिकेट नेट, पेविलियन, मल्टीपर्पज़ हॉल, पार्टी लॉन, स्विमिंग पूल, जिम्नासियम, मिनी थिएटर, ये इसके एमिनिटीज़ हैं। कनेक्टिविटी की बात करूं तो 5 मिनट के अंदर सिंगापुर इंटरनेशनल स्कूल, एनन डालमिया स्कूल, इशरा कॉन्वेंट स्कूल, बैंक ऑफ बड़ौदा, वेजिटेबल मार्केट, ठाकुर मॉल, बिग बाजार, महाविष्णु मंदिर, फैक्ट्री आउटलेट में पुमा, एडिडास, पेंटालूंस, नाइकी। 10-20 मिनट के अंदर आप मीरा रोड स्टेशन, दहिसर रेलवे स्टेशन, काशीमीरा पुलिस स्टेशन, काशीमीरा जंक्शन, प्रपोज पांडुरंग, वाड़ी मेट्रो स्टेशन, दहिसर मेट्रो स्टेशन, रॉयल कॉलेज, ऑर्बिट मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, डी मार्ट, इस्कॉन मंदिर, ये सब आप 10 से 15 मिनट के अंदर पहुंच जाते हैं। और 30-45 मिनट के अंदर गोराई बीच, ग्लोबल विपासना पेगोडा, पाली बीच रिसोर्ट, सूरज वाटर पार्क, SL वर्ल्ड नेशनल पार्क, ये सब भी आप पहुंच जाते हैं मुश्किल से 30-45 मिनट के ट्रैवलिंग डिस्टेंस पे, जो बहुत ही नज़दीक है। 1.5 से 2 घंटे के अंदर मुंबई के जो टूरिस्ट प्लेसेस हैं, ये मुश्किल से 1.5 से 2 घंटे के ट्रैवलिंग डिस्टेंस पे आप पहुंच जाते हैं, जैसे वसई किला, जिबदानी मंदिर, जुहू बीच, बरसोबा बीच, सिद्धिविनायक मंदिर, शिवाजी पार्क, हाजी अली दरगाह, महालक्ष्मी मंदिर, मुंबा देवी मंदिर, बांद्रा वर्ली सी लिंक, बांद्रा फैशन स्ट्रीट, मरीन ड्राइव, तारापुरा एक्वेरियम, गिरगांव चौपाटी, गेटवे ऑफ इंडिया, नरीमन पॉइंट, एलिफेंटा कैब्स, इंटरनेशनल एयरपोर्ट, डोमेस्टिक एयरपोर्ट, ये सब भी आप मुश्किल से 1 से 2 घंटे के अंदर आप रीच कर जाते हैं दोस्तों। ये तो मैं प्रोजेक्ट की डिटेल, कनेक्टिविटी, फैसिलिटीज़ और सारा कुछ मैंने बताया आपको। हमारे सर्विसेज को सुन लें, उसके बाद हम आपसे विदा लेंगे दोस्तों। आइए जानते हैं हमारे सर्विसेज के बारे में।
हमारी सर्विसेज की बात करूं दोस्तों, तो हम लोग न्यू लॉन्चिंग, न्यू बुकिंग, रीसेल, बैंक ऑक्शन की प्रॉपर्टी में डील करते हैं। बैंक ऑक्शन की प्रॉपर्टी जो होती है हमेशा 30-40% डिस्काउंट पे आती है हमारे पास, जो बैंक जो प्रॉपर्टी ऑक्शन करती है, नीलाम करती है। वैसे भी प्रॉपर्टी हमारे पास आती है, मैं हमेशा अपने चैनल पर डालता रहता हूँ। आप जिस तरह इस वीडियो को देख रहे हैं, ऐसे हज़ारों लाखों लोग हमारे इस वीडियो को हर महीने हर दिन देखते हैं, और उनके पास जब कोई अर्जेंट सेल की प्रॉपर्टी आती है तो वो हमें सामने से फ़ोन करते हैं, विकास जी हमें सेल करना है, और देखता हूँ 10-10, 20-20 लाख रुपए डिस्काउंट पर रहता है नॉर्मल मार्केट के प्राइस से। न्यू लॉन्चिंग की जो प्रॉपर्टी होती है, बिल्डर जो लॉन्च करते हैं, तो लॉन्चिंग के टाइम पे अच्छा खासा उनका प्राइस डिस्काउंट रहता है। कभी कभी रजिस्ट्रेशन स्टाम्प ड्यूटी डिस्काउंट रहता है, कभी फ्लोराइज डिस्काउंट रहता है, तो कभी PLC डिस्काउंट रहता है। इस टाइप की जो फायदे वाली प्रॉपर्टी होती है, न्यू लॉन्चिंग की प्रॉपर्टी हो या बैंक ऑप्शन की प्रॉपर्टी हो, या मैं हमेशा अपने चैनल प्रॉपर्टी प्लाजा विकास बरनवाल पे डालता रहता हूँ। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस करके रखें। जब भी मैं ऐसे कोई फ़ायदे वाली प्रॉपर्टी अपलोड करूँ अपने चैनल पे, तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिले, और अगर आपको प्रॉपर्टी खरीदना चाहें तो सबसे पहले आप खरीदें, उसका बेनिफिट लें। दोस्तों अगर आप यूट्यूब से ज़्यादा फ्रेंडली नहीं है, आप चैनल सब्सक्राइब करके रखें। साथ ही साथ हमारा व्हाट्सअप नंबर है 9619871855। हमारा दूसरा नंबर है 8070707099। अब इन दोनों नंबर पे आपके व्हाट्सएप नंबर से आपका नाम, लोकेशन, रिक्वायरमेंट, बजट और किस टाइप का आपका प्रॉपर्टी चाहिए वो एक ब्रीफ में लिख के भेज दें। जैसे हमारे पास ऐसी आपके रिक्वायरमेंट से रिलेटेड प्रॉपर्टी आती है तो मैं अपने व्हाट्सएप ब्रॉडकास्ट से 1-to-1 शेयर कर दूंगा, आपको सबसे पहले इन्फॉर्मेशन मिल पाएगी और आप उसका जल्दी से जल्दी बेनिफिट ले पाएंगे। दोस्तों ये हमारी सर्विसेज की बात करें, दोस्तों अगर ये प्रोजेक्ट आपको पसंद है तो आप अपने फैमिली और फ्रेंड्स में भी शेयर करें, अगर उन्हें भी प्रॉपर्टी परचेस करना हो तो। पूरे ऑल ओवर मुंबई में हम लोग काम कर रहे हैं अलग अलग प्रॉपर्टी में, वो भी हमें फ़ोन करें, हम उनको पूरी मदद करेंगे दोस्तों, प्रॉपर्टी परचेस कराने से लेके टिल पोजीशन दिलाने तक। अगर कुछ भी रहेगा, डॉक्यूमेंटेशन रिलेटेड, बुकिंग रिलेटेड कोई भी काम रहेगा, तो मैं और हमारी टीम पूरी हेल्प करेंगे उनको प्रॉपर्टी दिलाने में। दोस्तों फ्रेंड्स आज के वीडियो में बस इतना ही। दोस्तों फिर से आऊँगा नए प्रॉपर्टी के साथ, नए लॉन्चिंग प्रॉपर्टी, फ़ायदे वाली प्रॉपर्टी, ऑक्शन की प्रॉपर्टी के साथ। तब तक के लिए दोस्तों हमें दीजिए इजाजत, हमारे चैनल को इतना सारा सपोर्ट, इतना सारा सहयोग देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।